दोस्तों नमस्कार, श्वेता जी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे ब्लाउज की स्टिचिंग, जो हमने काट कर पहले से रेडी रखी हूँ। ये हमारा कपड़ा है, अब हम इसको सिलाई करेंगे। देखिए हम आगे पार्ट इसको बनाएंगे, इसको काट के रेडी रखे हैं। ये आगे पार्ट है, बेल्टदार बनाना है इसको। हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, आप लोग को दिखाएँगे हम कैसे करते हैं। ये हमारा हो गया अस्तल का कपड़ा, ये जो है हो गया ब्लाउज का कपड़ा, ये बेल्ट हो गया। हम इसको अब सिलाई करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कैसे सिलते हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो अंत तक देखें, सपोर्ट करें। हम आप लोग को सिल के दिखाते हैं। इस तरह से जो है ऐसे सिलेंगे हम इसको। इसको कपड़ा अस्तल के ऊपर जो है कपड़ा को ऐसे दोनों बराबर से रखकर ऐसे इसको स्टिचिंग कर देना है। इस तरह से जो है कपड़ा कहीं पर है, पहले से स्टिचिंग कर गए, जो सिलाई किया जाता है प्लेट लगाया जाता है तो खुलता नहीं है कपड़ा, एकदम बराबर आ जाता है अस्तल और कपड़ा दोनों। इस तरीके से ऐसे कपड़े जो है अस्तल पर ऐसे इसको जमा लें सिलाई करके। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें रहता है बगल, ये देखिए ये छोटा है अस्तल के बाहर, इसको हम कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से इसकी कटिंग करने बाद हम इसका प्लेट का टक्स लगा देंगे ऐसे। हम लगा लेंगे आगे प्लेट। ब्लाउज में प्लेट सबसे पहले आगे लगाएं, नीचे तरफ का तो पहले बच्चा आता है। इस तरह से ऐसे हमारा आगे का नीचे प्लेट लग गया है। इसकी लंबाई रहती है 1.5 इंच। हम लगाएंगे साइड का, जहाँ आई हुक की पट्टी लगती है वहाँ प्लेट लगाएंगे। इस तरह से ऐसे इस तरह से अब हम कंधे की तरफ का प्लेट लगा देंगे ऐसे। इस तरह से अब हम साइड वाला प्लेट लगा देंगे इस तरह से। इधर का साइड वाला प्लेट सबसे लास्ट में लगाएं, तब इसका लुक अच्छा आता है ऐसे। हमारा सारा प्लेट लग के रेडी हो गया है, ये देखिए हमारा बन गया है। अब हम इसमें जोड़ेंगे बेल्ट। ये हमारा बेल्ट है और अस्तल है और कपड़ा ब्लाउज है और अस्तल का कपड़ा है। अब हम इसको दोनों को पहले से सिलाई कर ले रहे हैं इस पर ऐसे। तो हम इसमें जोड़ेंगे क्योंकि बहुत हल्का कपड़ा है, बहुत अच्छे चल रहा है सिलने में। इस तरह से सिलेंगे तो इसको सिलने में आसानी रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा लगाने में, छोट बड़ा नहीं होगा, अच्छे से आ जाएगा। आप लोगों को सिलकर दिखाते हैं। इस तरह से जो है
अस्तर हो ब्लाउज ऊपर रखें, इसको बहुत सिंपल तरीके से सिलाई मार देनी है। ऐसे ये जो प्लेट रहता है आगे का, इसको ऐसे करके आगे तरफ को मोड़ दीजिए। यही यहाँ पर इसको अच्छा दिखता है मोड़ने के बाद, अगर पीछे को हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है, आगे रहता है तो अच्छा लगता है। देखिए हमारा बेल्ट भी जुड़ के रेडी हो गया है। हम जो है बेल्ट के ऊपर ऐसे में सिलाई लगाएंगे, एकदम बारीक सिलाई लगा देंगे। दो लगाएंगे इसमें, दो सिलाने एक दो पैक लगा देंगे, एकदम सिलाने मजबूत लगाने से इसके दो पैक लगा देंगे। ऐसे अजय हमारा इस तरह कपड़ा बेल्ट में बच जाता है तो हम इसको कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसमें लगाएंगे आई और हुक की पट्टी। अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। ये हमारा दोनों पार्ट बन के रेडी हो गया है, हम लगाएंगे आई हुक की पट्टी। हम आप लोग को दिखाते हैं, हुक की पट्टी जो है दाहिनी तरफ रहती है और आई की बाईं तरफ रहती है, तो हम इसमें हुक नहीं लगाएंगे बटन लगाएंगे, इसलिए इसमें जो है पट्टे दाहिनी तरफ लगेगी। हम आप लोग को दिखा रहे हैं कैसे लगाते हैं। ये हमारा कपड़ा है, हम इसको इसके ऊपर रखते हैं ऐसे, हम इसको सिलाई करके पट्टी लगा दे रहे हैं बहुत सिंपल आसान तरीके से। ये हमारी पट्टी लग गई, हम इसको बना रहे हैं, अभी बना के दिखाते हैं। ऐसे इसको लत्ती सिलानी लगा देनी है इसमें। हम इस पर दो सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये देखिए हमारा पट्टी के लुक बहुत सुंदर से लग रहा है, लग गया है। और ये हमारी बटन पट्टी है, हम हुक नहीं लगाएंगे बटन लगाएंगे इसमें। तो हमारी बटन पट्टी लग गई है, अब हम बनाएंगे काज की पट्टी लगाएंगे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा, अब हम इसको लगाएंगे इसमें, इसमें काज की पट्टी इस तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद अभी आप लोग हमारा सिलाई हो गया, अभी हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे ऐसे, कपड़ा मोड़ के सिलाई लगा देनी है ऐसे। रेडी हो गई पट्टी, हम इसको अंदर की तरफ किस तरह से मोड़ते हैं आपको दिखाते हैं। ऐसे करके अंदर को मोड़ लें, इस पर सिलाई लगा लें, एक लग की सिलाई लगा लें इस पर इस तरह से ऐसे। ये देखिए हमारा आई हुक की पट्टी लग गई, हम इसमें गले में पाइपिंग बनाएंगे। अभी आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। पीछे पल्ला हम पहले से सिल के तैयार कर ले, पीछे पार्ट जो होता है ब्लाउज का ये
अभी इसमें जो है हमको लेस लगाना है, अभी लेस नहीं लगाए हैं, इसको ऐसे सिल कर रख लिए हैं। ये बाजू है, अभी इसमें बाजू में भी लेस नहीं लगाए हैं, अभी सिल कर रख लिए हैं। अभी इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे हम बनाते हैं पाइपिंग। दोस्तों हम बनाएंगे और लगाएंगे इसको, पट्टी है 1.5 इंची चौड़ी है, हम इसको पाइपिंग बनाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाते हैं बना के हम कैसे पाइपिंग बनाते हैं। इसको ऐसे दो ले मोड़ लें, दो पर करके ऐसे मोड़ के ऐसे ब्लाउज के गले के ऊपर रख के ऐसे एकदम सिंपल आसान तरीके से ऐसे यहाँ रख के इसको ऐसे सिलाई कर लें ऐसे। देखिए हमारी पट्टी लग के रेडी हो गया, हम इसको बनाएंगे पाइपिंग, आप लोग को दिखाते हैं। जैसे हमारा ये कपड़ा है, आइए है सिलाई वाला कपड़ा, आइए है पट्टी वाला है जो मोड़ना है हमको। ये जो सिलाई वाला कपड़ा होता ना, इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दें ऐसे, बहुत अच्छे से बहुत गोलाई से पाइपिंग एकदम बैठ जाती है। हम जो है आप लोग दिखा रहे हैं सिल के कैसे हम बनाते हैं, ऐसे इसमें रखें इस तरह से, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसे मोड़ते जाएं, कपड़ा के अंदर ऐसे करते जाएं ऐसे। ये हमारा पाइपिंग बनके अभी रेडी हो जाएगी। पाइपिंग जो बनाई जाती है इसमें सिलाई जो है यहाँ ये इसके अंदर की तरफ ही इसका धागा पड़ना चाहिए, जो यहाँ पर मोड़ने पर यहाँ जहाँ सिलाई लगी रहती है वहीं पर इसका धागा अंदर जाना चाहिए। ये अच्छे से फिर गोलाई से पाइपिंग बन के रेडी हो गए। ये देखिए हमारी पाइपिंग बनके बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। इस तरह से हम सब पाइपिंग बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमारा पीछे पार जो है इसमें हम लगाएंगे लेस, आप लोग को दिखाते हैं लेस लगाकर। ये हो गई हमारी लेस, हम इसको लगा रहे हैं। ये हमारी लेस है, तो हम इसको इस पर ऐसे रख के अभी लगा के दिखा रहे हैं आप लोगों को ऐसे। हेलो दोस्तों, इस तरह से हम लेस लगा ले रहे हैं, इस तरह से दो लेयर में लगा रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं, बहुत अच्छा लुक दिखेगा। अभी हम लगा के दिखा रहे हैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, हमारा लेस लग के रेडी हो गया है। देखिए हम इसमें अब आगे का जो है इसको जोड़ देंगे। ये हमारा आगे का भाग है, इसमें हम जोड़ के अब इसमें हम बाजू लगाएंगे, आप लोग दिखाते हैं लगाकर। हेलो दोस्तों, ये हमारा है लेस जो बाजू पर लगाने, ये हमारा है बाजू, पहले से काट के रख लें रेडी, हम इसमें लगाएंगे, आप लोगों को सिल के दिखाएंगे कैसा लगता है। हमारे बाजू को लेस लग के रेडी हो गए या इस तरह दिखने में। अब हम इसको यहाँ कंधे से जोड़ेंगे, आप लोग को दिखाएंगे जोड़ के कैसा लगता है, आप लोग को पूरा ब्लाउज दिखाएंगे हम। हेलो दोस्तों, ये हमारा जो फुलरा बन के रेडी हो गया, हम ब्लाउज में लगा रहे हैं, आप लोग को फिटिंग करके दिखा रहे हैं इस तरह से ऐसे। हेलो दोस्तों, हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है, देखिए देखने में कैसे लग रहा है, बहुत अच्छा सा लुक आया है इसका, हम आप लोग को दिखा रहे हैं इसको। ये देखिए इसमें फुलरा भी लग गया, डोरी भी लग गया, ये देखिए